खिलाफ नहीं कर रहा। नहीं नहीं देखो, कोई दिन काम एक रात में नहीं होता है। परिवर्तन ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई, हम मेहनत कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं। आप तो जानते हो ना, मैं तो एक गांव से उठ के आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ। मैं नेताजी को और माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानता हूँ। वो एक गरीब के बेटे जब खुद को साबित कर सकते हैं, आप घबराओ मत, मैं जवाब दूंगा समय आने पे। अभी नहीं कह रहा हूँ ना, अभी तो राजनीति 3 साल की, अभी देखो जवाब दूंगा। यहीं से आप लोगों के बीच से निकल गया हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को जानता हूँ, यही मोटरसाइकिल पे घुमा ना आपके बीच, मेहनत करूंगा, आप विश्वास करो। ये पहले समाजवादी था, अब चला गया कहीं और। खिलाफ नहीं कर रहा। नहीं नहीं देखो, कोई दिन काम एक रात में नहीं होता है। परिवर्तन ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई, हम मेहनत कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं। आप तो जानते हो ना, मैं तो एक गांव से उठ के आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ। मैं नेताजी को और माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानता हूँ। वो एक गरीब के बेटे जब खुद को साबित कर सकते हैं, आप घबराओ मत, मैं जवाब दूंगा समय आने पे। अभी नहीं कह रहा हूँ ना, अभी तो राजनीति 3 साल की, अभी देखो जवाब दूंगा। यहीं से आप लोगों के बीच से निकल गया हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को जानता हूँ, यही मोटरसाइकिल पे घुमा ना आपके बीच, मेहनत करूंगा, आप विश्वास करो। पहले अपील कर लेते हम दोनों को, एक मिनट, हम दोनों लोग जो यहाँ बैठे हैं, सभी नेता जो बैठे हैं, नूर हसन मलिक यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनको एक एक वोट दे करके आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं हम। देखो रिजल्ट, देखा नहीं देखा आपने भाई, 2 बार से हारी सीट जीते नहीं जीते, और सरकार ने पूरा दम भी लगाया। उपचुनाव तो सरकार का ही होता है ना, फिर भी हमने मेहनत की। तो हम यही कह रहे हैं, आज भी हम मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। जनता को वोट करना है, लोकतंत्र है, जनता में शक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, मैं तो सहारनपुर वासियों से कहूंगा उसका प्रयोग करें उत्तर प्रदेश के वासी, और जवाब दे उन शक्तियों को जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखती, संविधान में आस्था नहीं रखती, और कमजोर शोषित को लूटने पर लगी है। महंगाई बेरोजगारी पर सवाल नहीं करेंगे आप लोग भी, ये अच्छा नहीं है। आप नौजवानों के जो सुसाइड हो रहे उस पर सवाल नहीं करेंगे, पेपर भर्तियां जो लीक हो रही है उस पर भी सवाल करना चाहिए कि कहां कानून व्यवस्था है। कुछ नहीं है, बस अंधकार है। दीवा जलाने के लिए हम लोग निकले हैं, और इस बार ये दिया रोशनी देगा सहारनपुर में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में। करना है, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों के फर की तरफ जाते हैं, और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से एक इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी दो इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।